नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल चॉप्स वाले भैया में। मैं शिवम ठाकुर, आज बात करनी है दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए जो मानदेय जारी करने का ऑर्डर दिया है हाईकोर्ट ने, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो मेरे इस चैनल पर नए दोस्त जुड़े हुए हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि ताकि उनको आगे की जो वीडियो अपडेट है वो सबसे पहले मिलती रहे। और जैसा कि मेरा कोशिश होता है कि जो भी डिटेल आप लोगों को मिले पूरा जेन्युइन मिले, एकदम सही सही डिटेल प्राप्त हो। तो आज जो बात करनी है और जो पेपर के माध्यम से निकल कर आया है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए जो मानदेय जारी करने का आदेश माननीय हाईकोर्ट ने दिया है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही देखेंगे जो अन्य विभागों में जो कार्यरत हैं उन लोगों के लिए क्या इसमें कहा गया है, तो देखते हैं दोस्तों। चलिए, राज्य के 38 जिला न्यायालयों में तैनात डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय का भुगतान तुरंत करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने विधि विभाग तथा वित्त विभाग को दिया है। राज्य की निचली अदालतों में कार्यरत 380 डेटा एंट्री ऑपरेटरों को वेतन कई माह से मानदेय नहीं मिला है। तो आप लोग जानते होंगे कि ये केवल निचली अदालतों के लिए नहीं है, ऐसा बहुत सारे विभाग हैं बिहार सरकार के जिसमें जो कार्यरत कार्यपालक सहायक हों या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब अंतर ये था कि जो BPSM के माध्यम से जो बहाल हुए थे वो कार्यपालक सहायक थे दोस्तों, और जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से गए हैं उनको डेटा एंट्री ऑपरेटर कहा जाता है। तो उन लोगों को बहुत सारे विभागों में सैलरी टाइम टू टाइम नहीं मिलती है, काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, झेलनी पड़ती हैं उन लोगों को। तो जैसा कि यहाँ पर राज्य के निचली अदालत के तरफ से ये निकल के आया है कि इन लोगों को 380 डेटा ऑपरेटरों को जो मानदेय नहीं मिला है वो मिले, कारण है दोस्तों कि उन लोगों की यूनिटी है, उन लोगों ने सही से डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया होगा, ट्वीट किया होगा फेसबुक के माध्यम से या फिर ट्विटर या फिर सब यूज़ किया होगा, तब जाके इन लोगों की बात ऊपर तक पहुँची होगी, तब जाके थोड़ा सा निर्णय निकल के सामने इन लोगों के लिए आया है। आगे हाईकोर्ट के महानिबंधक ने इन ऑपरेटरों को भुगतान के लिए 6,79,36,400 रुपये उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। देखिए, जो 380 डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं इनका कुल जोड़ लिया जाए सैलरी जब से नहीं मिल रही है तो 6,79,36,400 रुपये हो जाते हैं। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि इन लोगों को कितने दिनों से सैलरी नहीं मिल रही थी। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि साथ ही यह रुपये चार्ट के अनुसार सीधे निचली अदालतों को भेज दिए जाने का निर्देश दिया गया है। तो ये जो पैसे हैं ये डायरेक्ट विभाग को मतलब कि अदालत को भेजने का आदेश दिया गया है, ना कि कंपनी के माध्यम से या फिर किसी भी जैसे कि बेल्ट्रॉन के जो कर्मी होते हैं दोस्तों उनका जो कंपनी जिसके थ्रू आते हैं थर्ड पार्टी कंपनी जो होती है उसको उनको पैसे दिए जाते थे और वो लोग क्रेडिट करते थे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सीधा विभाग को पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे सरकार की तरफ से और विभाग सीधा उनके खातों में पैसे भेजेगी। ये काफ़ी अच्छी पहल है, जो भी कार्यरत हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी खुशी की न्यूज है। अगर ऐसा हो जाता है तो हो सकता है कि आपकी सैलरी टाइम टू टाइम मिलने लग जाए और आपको परेशानी ना झेलनी पड़े दोस्तों। जैसा कि आप लोग को अंदरूनी अगर न्यूज़ पता होगा तो आप लोग जानते होंगे कि इस पर कार्य किया भी जा रहा है, कई दिनों से कोशिश में की जा रही है कि जो पैसे हैं वो सीधा विभाग को ट्रांसफ़र की जाए ताकि आप लोग का पैसा सही समय पर आप लोगों के पास मिल जाए दोस्तों। अब आगे देखते हैं क्या है कि संविदा पर बहाल इन कंप्यूटर या डाटा एंट्री ऑपरेटरों को सूबे की 38 जिला अदालतों में नियुक्त किया गया है। इन ऑपरेटरों से न्यायालय का सभी अति महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य कराया जा रहा है। तो केवल अदालत का ही नहीं, जितने भी हमारे विभाग में कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर जुड़े हुए हैं, इस काफ़ी मुश्किल स्थिति कोरोना के रहते हुए भी काफ़ी काम लिया जा रहा है उन लोगों से, काफ़ी काम कर रहे हैं वो लोग, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको पैसा बहुत कम मिलता है। बेल्ट्रॉन वालों को तो थोड़ा सही भी मिल जाता है दोस्तों, लेकिन जो हमारे कार्यपालक सहायक मित्र हैं उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो लोग अपने आप की जो यूनिटी है उसको और मजबूत कर लें, किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होगा, अगर आप लोग चाहते हैं तब ये मजबूत हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी से आप लोग को जुड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप लोग हैं वो आपस में मिले जुले जुड़ें और जो पैनल में जिनका नाम है वो लोग भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें इन चीज़ों पर और अपना यूनिटी को थोड़ा मजबूत रखें ताकि आगे कोई भी डिसीजन निकल कर सामने आए तो वो आपके यूनिटी का नतीजा ही होगा दोस्तों। और आज कुछ बहालियां जारी की है बिहार सरकार ने, लेकिन उसमें कोई भी फ्रेशर बहाली नहीं है, मतलब कि सब एक्सपीरियंस बेस्ड है, तो इसीलिए मैं उसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो भी नए कैंडिडेट हैं फ्रेशर हैं वो उनको सही सही डिटेल मिलता रहे मेरे माध्यम से, तो उनके लिए मैं ज़्यादा काम करता हूं। तो चलिए फ्रेंड, जो भी लोग जैसा कि मैंने पहले कहा नए हैं वो ज़रूर जुड़ जाएँ कि ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मेरे अगले वीडियो तक का मेरा इंतज़ार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।